अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद राहील हुसैन रिज़वी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो लेट होने की वजह थी कि आज मैं मार्केट गया हुआ था, जिसकी वजह से वो लेट हो गया। तो ये है कि ख़बरें तो आपने सुन ली होंगी, ये तो नहीं है कि अगर सैयद राहील हुसैन रिज़वी नहीं होगा तो आप तक ख़बरें नहीं पहुँचेंगी। लेकिन जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोज़ का वेट करते हैं, जस्ट उन लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और हम भी ऐसे लोगों की मोहब्बत के लिए करते हैं। तो ये है कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी के केस की अपडेट भी बता रहे हैं। उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज़ जल्द पहुँच जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया। तो क्या हुआ, मुचलके जमा नहीं किए गए, CCPO लाहौर को तलब किया गया, इस तरह के सारे मामलात। तो नाज़रीन मोहतरम, हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी की रिहाई कब होगी? नाज़रीन मोहतरम, आज फिर लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ कि CCPO लाहौर को जब बुलाया गया, तलब किया गया, तो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया कि जो है हाफिज़ साद बिन खादिम हुसैन रिज़वी के मुचलके क्यों नहीं जमा किए जा रहे, तो उनको फ़ौरन जमा किया जाए। तो CCPO लाहौर ने जो है हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी के मुचलके जो हैं वो जमा करेंगे जल्द अज़ जल्द। और हमारे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला थे, उन्होंने भी कहा, जितने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि कल तक जितने भी मुचलके हैं हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी की रिहाई के मुतल्लिक, इंशाअल्लाह ताला कल तक वो तमाम मुकम्मल हो जाएंगे और 11 बजे हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी के केस की समात होगी, और इंशाअल्लाह ताला अमीर मोहतरम के हक में ही फैसला होगा। क्योंकि पहले भी मुचलके कुछ जमा हो चुके हैं, और जो कुछ रहते हैं लब्बैक पाकिस्तान के वकला हैं वो जमा करके इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी के मुचलके हैं वो जमा करवा देंगे। फिर जो CCPO लाहौर हैं उनकी जानिब से ऑर्डर्स जारी रिहाई के कर दिए जाएंगे, और फिर वो जो हैं हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान मौजूद होंगे। अभी जहां तक पता है कि इंशाअल्लाह ताला कल तक तमाम मुचलके जमा हो जाएंगे, और अमीर मोहतरम साद बिन खादिम हुसैन रिज़वी बिल्कुल हमारे दरमियान फिर बाइज्जत तौर पर इंशाअल्लाह ताला और एहसन तरीके से हमारे दरमियान मौजूद होंगे। और कारकुनान जो पुरअमन बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो इसी तरह से ही हैं और हमेशा से इसी तरह से रहे हैं और अभी भी रहेंगे, और अपने अमीर मोहतरम साद बिन खादिम हुसैन रिज़वी का शानदार इस्तकबाल करके ही सब लोग रवाना होंगे। इंशाअल्लाह ताला सब लोग दुआ करें, कल अमीर मोहतरम के लिए मुचलके जमा करवाए जाएँ।